अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। कि मैंने दराज से रिंग लाइट बाई की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये आप देख सकते हैं, दराज से मैंने बाई की थी। पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह की है। ये इसकी लाइट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये इसकी लाइट है, ये इसका ट्राईपॉड स्टैंड, 7 फिट ट्राईपॉड स्टैंड है। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, मैं दराज से ही बाई करती हूँ, क्योंकि दराज से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अब आपको ये ट्राईपॉड स्टैंड ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने जितनी भी चीज़ें दराज से मंगवाई हैं ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही चीज़ें रिसीव हुई हैं। पैकेजिंग भी दराज की बहुत अच्छी होती है। ये मेटल का इसका 7 फिट ट्राईपॉड स्टैंड है। ये आप देख सकते हैं, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरा स्टैंड निकाल कर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मुझे वीडियोस वगैरह बनाने में मुश्किल होती थी, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया ताकि मैं इजीली वीडियो बना सकूं। ये इसकी लाइट है, लाइट भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी लाइट है, रिंग फिल लाइट, 26 सेंटीमीटर है। पीछे इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई है। इसमें 3 मोड्स हैं लाइट में, वार्म। ये देख लें, ये 26 सेंटीमीटर की लाइट मुझे मिली है। प्राइस की बात करें तो प्राइस के लिहाज से भी बहुत ये रीज़नेबल। दराज पे इसके डिफरेंट प्राइजेज हैं। मैंने ये 1150 की ली है दराज से। ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, नाजुक सी है, अगर गिरेगी तो टूट जाएगी। ये इसका वायर, मोबाइल होल्डर भी है। इसके साथ कुछ टूल्स हैं जो इसको फिट करने के काम आएंगे। ये लाइट भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इसकी लाइट है। अब मैं आपको जो रूम में ले जाके इसको फिट करके भी दिखाऊँ, और मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाऊंगी। अब मैं इसको रूम में ले आई हूँ। ये इसके साथ अडॉप्टर मैंने लगाया, ये अडॉप्टर नहीं था इसके साथ, मैंने अपना अडॉप्टर इसके साथ लगाया है। इसको मैंने ऐसे लगाया और इसमें ना एक ब्लू सी लाइट हो जाएगी जो ये शो करेगी कि ये ऑन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये 4 बटन्स हैं। सबसे पहले जो प्लस का है, प्लस से है, उसके बाद दूसरा ये जो इसके मोड्स चेंज करेगा, उसके बाद माइनस का है, उसके बाद पावर ऑन ऑफ का है। ठीक, अब मैं जैसे ही इसका लास्ट वाला पावर का बटन प्रेस करूँगी तो ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो गई है। ठीक है, अब मैं इसका ये मिड वाला ये मोड का है, अब जैसे ये मैं प्रेस करूँगी तो इसके ये मोड्स आप चेंज हो रहे हैं, वार्म, कूल, ये इसके मोड्स आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें प्लस का जो बटन दिया हुआ ना, प्लस का बटन ये है कि जैसे जैसे मैं प्लस का बटन प्रेस करती जाऊँगी इसकी लाइट तेज़ होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं प्लस का बटन प्रेस करती जाऊंगी ना, इसकी लाइट तेज़ होती जाएगी। ठीक है, अगर आप तेज़ चाहते हैं तो लाइट को तेज़ कर लें जैसे जैसे। और ये जो माइनस का बटन है, जैसे जैसे माइनस का बटन प्रेस करते जाऊंगी तो ये आप देख भी रहे हैं कि इसकी लाइट डिम होती जाएगी। ये देख रहे हैं आप, जैसे आप लाइट चाहते हैं आप उस तरह की लाइट इस पर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये कुछ इस तरह का। अब जब फिर से पावर ऑन ऑफ़ का दबाऊंगी तो ये ऑफ़ हो जाएगा, फिर प्रेस करूंगी तो ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये मैंने इसके दरमियान में मोबाइल होल्डर फिट किया है। ये मोबाइल होल्डर बहुत अच्छी इसकी ग्रिप है, मोबाइल गिरेगा नहीं बहुत ज़्यादा। ये दोनों चारों तरफ मूव भी हो सकता है। और ये नीचे इसके हैं कि यहाँ से आप इसको ओपन करके जो इस स्टैंड को बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैं आपको जो है ना बड़ा करके भी दिखाती हूँ इसको खोल के। ये देखें, ये जैसे जैसे मैं इसे ओपन करती जाऊँगी ये बड़ा होता जाएगा। 7 फिट ट्राईपॉड स्टैंड है, इसे आप इसे अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसको जैसे जैसे आप लूज़ करते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा। फिर उसके बाद आप इसे टाइट करते रहेंगे तो फिर ये वापस अपने साइज़ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अच्छा है, नाजुक सा है, थोड़ा सा गिरेगा तो टूट जाएगा, नाजुक है लेकिन अच्छा है। प्राइस के लिहाज से भी सही है, क्वालिटी भी इसकी ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब वापस मैंने इसको इसके साइज़ का करके टाइट कर दिया इसका नट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।